यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि माइक लगाने की प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा डिजिटेक का माइक सब जो ये है छाता, मैं वो गाली ला दूंगा इसे निकाल के, इसे निकाल दूंगा। तो हे गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं सुबह से वर्कआउट के साथ, और आज हम आ गए थे सुबह 5:30-6 बजे वर्कआउट करने। धूप निकल चुकी है भाई, हो गए 8:30 बज गए, सारा सामान इधर रखा हुआ है, और अब चलेंगे सीधा घर, कुछ पीने वीने का देखेंगे भाई, ठीक है। और ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, जो भी आपको खेला कूदा वो सब आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। और यहाँ पर हम थोड़ा वर्कआउट सेशन चलता है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि हमने लिया अभी नया कैमरा, तो अभी उसका जो पूरा सेटअप था ना, मतलब वो सही से समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह थोड़ी शूटिंग की थी तो उससे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि भाई कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे माइक सेट करना है। थोड़े बहुत शॉट लिए थे, ठीक है, वो सब चीज़ें जो भी होगा मैं इसमें डालूंगा। अभी मैंने उसके अंदर से क्लिप्स भी नहीं निकाली है। बट आज अच्छी चीज़ ये बताते हैं, आज है छठ पूजा, ठीक है। तो आज शाम का प्रोग्राम होता है, कल सुबह का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जो भी होगा अगर हम गए तो हम आपको दिखाएंगे। और अपना एक काम और बचा है लाइटिंग का, लाइट वाइट सारी खोलनी है, करनी है, तो इस ब्लॉग के अंदर अगर हो जाए तो उसको भी कवर कर लेंगे। लाइट वाइट बढ़िया सब कुछ खोल के दिखाने वाले हैं, ठीक है। और छठ पूजा भी कवर कर लेंगे, तो सब कुछ दिखाएंगे। गाइस, ये हमारा सोनी का कैमरा, ठीक है, और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ हमारा गोप्रो। तो अपने पास दो कैमरे हैं, इसकी जो सेटिंग्स है वो मैंने अभी देखी, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि माइक लगाने की प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा डिजिटेक का माइक, ठीक है। उस माइक को हम कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ मैं आपको आगे अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। और थोड़ी थोड़ी जो सेटिंग है ना कैमरे की, हमने फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको बस जैसे तैसे भी थोड़ा थोड़ा सही कर लेते हैं, और फिर उसको मेरे छाता टाइप है। अभी जितना भी सामान है हमारा सब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या क्या है, क्या क्या है, यही तो है नहीं, यही तो है नहीं, स्टूडियो घूम गया है, इतना बड़ा है वो भी, हाँ देखो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है वे, खुलेगा तो हल्के, मतलब इसीलिए कह रहा हूँ एक स्पेस लेगा पूरा, मतलब खड़ा रहेगा। तो मुझे क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ सफाई ज़्यादा होती है ना, इसलिए। और ये है छाता, ये है तो इसे रख पहले एक तरफ, पहले वो निकाल लाइट और स्टैंड निकाल ले, ये तो फिर तीसरा सबसे धोनी बनना भाई। तो ये है सारा सिस्टम हमारी लाइटिंग का, वीडियो ऐसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, जैसी तुमने सोची भी ना होगी। इसके अंदर हमारी एक लाइट आई है जो हमें 7,500 रुपये की मिली है। निकालो यहाँ, निकाल ऐसे निकाल, शुरू शुरू इसे भी निकाल के, इसे भी डाल दो, ये लाइट
इसके साथ रिमोट मिला अपने को। ये लो गाइस एक और स्टैंड हमारा, तो हमारे पास दूसरा स्टैंड बता रहा हूँ। कैसे खुलेगा ये? 1200 कैसे? नीचे वाले खोलो। तो एकदम ज़्यादा हो चल रहा है, सही था इतना ठीक है। देख रही मम्मी बहुत मत भारी है। भारी तो है, भारी पैसे की भारी चीज़। क्या बाकी है? लगेगी लाइट या में कौन सी लाइट पकड़ा इस वाली है? फिर ये लाइट लग के फिर वो छाता लगेगा। कहाँ लगेगी लाइट? ये खुल कर लगा नीचे से। रुक जा एक मिनट, लगेगी तो यही में तो टाइट हो फिर ऐसे। रुक जा ले तो गाइस ये रहा हमारा एक और बॉक्स जिसको हम छाता कह रहे हैं हिंदी में, और ये हमें मिला है मेले में। तो मेले से लेकर आए हम ये छाता, थोड़ा महंगा 3000 रुपये का मिला है। पैसे वाले मेले में खो गया था छाता, ठीक है। तो इसको लगाएंगे अपने लाइट्स के ऊपर जिससे कि जो लाइट का जो फोकस इतना तेज़ आ रहा है थोड़ा स्लो आएगा, ठीक है। तो इसको सेट करेंगे यहाँ पे, बट इसको लगाने में बहुत मेहनत लग गई गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। थोड़ा सा टुक 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 कर रहा वो कहाँ था स्क्रीन टच। फर्स्ट टाइम मैंने मंगाई थी 2021 के अंदर, ठीक है, जब मेरे चार पाँच हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे। वाली लाइट है जब की लाइट है, अनबॉक्सिंग वीडियो भी है कि ब्लॉगिंग चैनल पे है। और अब इसके बड़े भैया आ गए हैं ये वाले, ठीक है। तो अब बताओ, मैं सोच रहा हूँ छोटे भाई का क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, मतलब यूज़ कर लेंगे क्या करेंगे, ठीक है। और इनके चाचा जी भी हैं, देखो ये चाचा जी, ये तो बहुत तगड़े हैं, ये चाचा जी भी हमारे पास हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है। तो भाई खर्चा किया है गाइस, खर्चा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम वीडियो देखना जाके, 2-3 दिन बाद से वीडियो आने लग जाएगी, और मिलते हैं आगे, ठीक है। तो अभी सब चीज़ लगा दिए चार्जिंग में, और मुझे करनी है भाई पूजा करूँगा, कुछ खाई पियेंगे और थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे दिखाएंगे जो भी होगा। पर छठ पूजा था, मैं छठ पूजा आपको दिखा नहीं पाया भाई, मैं तुमसे बोल भी रहा था कि छठ पूजा दिखाऊंगा, पर छठ पूजा मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज नहीं दिखा रहा भाई, ठीक है। तो कल देखेंगे, जब वीडियो शूट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखो ये भी मिला कटोरा, इस कटोरे में भीख मांगनी हमें। टहना ना सामान बहुत सारे हो, डिब्बे हो गए, ऐसे लग रहा दिवाली का सारा फंक्शन हमारे घर में ही चल रहा। इधर लगा दिया भाई हमने ये कैमरा, कैमरे का भी अलग मज़ा, कैमरा भी नहीं था, कैमरे भी हो गए। तो गाइस हम अपने सामान की भाई पूजा कर लेते हैं, कि कोई भी चीज़ हम नहीं ला तो उसकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले पूजा कर लेते हैं, सेकंड बार होती है शूटिंग। ये हमारी बड़ी लाइट, ये नीचे वाली लाइट जलाएगी, लाइट जलेगी तो धुआं आ जाएगा। छोटी लाइट सारा असली राज सब्सक्राइबर, यही है असली राज सब्सक्राइबर जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सारा ध्यान पूजा पे इष्ट है। हमारा ब्लॉग था वो बस इतना ही, इसमें हमने बहुत सारा सेटअप वेटअप ना सब कुछ रेडी कर, फर्स्ट टाइम हमने इस सेटअप पे अपना वीडियो शूट करा। और आपको आगे भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलने वाले हैं, बट आपको वेट करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना है और लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और
बाय बाय। तो गाइस जैसा कि हमने बताया था कि आपको नई अगली स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा एक हमारा बढ़िया सा सेटअप जिसके लिए हमने काफ़ी वेट किया है 2 महीने, बट अब जो वेट था वो ख़त्म होने वाला है और आपको हमारे चैनल पे नई नई वीडियो नई नई रील मिलने वाली है और आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे सरप्राइज भी हैं। बट करना कुछ नहीं है, बस आप हमारे इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कर लो और भाई लुत्फ उठाओ चीज़ों का, ठीक है? और लाइक